मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर सेस घटा दिया है। सेस को 3% से घटाकर 1% करने का निर्णय लिया गया है। शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर बड़ा निर्णय लेते हुए सेस घटाने का फैसला किया है। अब प्रॉपर्टी बिक्री पर सेस 3% के स्थान पर 1% लगेगा। शिवराज ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना आवश्यक है। हर व्यक्ति का अपने घर का सपना होता है, जिसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस निर्णय के बाद रियल एस्टेट में उछाल आएगा और मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी। हर व्यक्ति का परिवार का एक सपना होता है, उसका अपना एक घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ सुख से रह सके। कोविड काल में आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन के कारण लगभग समाप्त हो गई थी और इससे रियल एस्टेट व्यवसाय पर भी बड़ा विपरीत प्रभाव हुआ था। लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो जाने के कारण संपत्तियों का क्रय विक्रय भी प्रभावित हुआ है। अब हम चाहते हैं आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आए, उसके लिए भी अनेकों कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रियल एस्टेट में कैसे बूम आए इसके लिए भी हम हर संभव प्रयास करेंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 3% सेस लगता था, अब उसको घटाकर 1% किया जाने का एक बड़ा फैसला हमने लिया है। सीधी सीधे स्टाम्प ड्यूटी के सेस पर 2% की छूट मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इस छूट के कारण रियल एस्टेट में कारोबार तेजी से बढ़ेगा, लोग अपना मकान खरीद सकेंगे। अभी ये छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैसे और आर्थिक गतिविधियां बढ़े और रियल एस्टेट में और कामकाज कैसे बढ़े, इसके लिए ये कदम उठाया गया है और कदमों पर भी विचार कर रहे हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने-बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।